चरित पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या निशेष जाड्या पहा। जीवन का आरंभ जन्म से होता है और काल रात्रि उसका अंत। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्हें काल निगल नहीं सकता, जिन्हें मौत सुला नहीं सकती। दैहिक रूप से भले ही वो शख्सियत आज हम सबके बीच नहीं, लेकिन उस सृष्टि को बनाने वाले नियंता की वो रचना, उसकी वो आवाज पहले भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हारे बिन हमरा कौन
चलते ज्योति कलश चलते ज्योति कलश चलते हुए गुलाबी लाल सुने रंगदार बादल के ज्योति कलश चलते ज्योति कलश चलते ज्योति कलश चलते कहने को बड़ी अजीब दास्तां है उस शख्सियत की जिसका नाम लता मंगेशकर। कौन यकीन करे कि लता इस दुनिया में है नहीं। 2006 से उनकी आवाज़ गानों के लिए बंद हुई, लेकिन वो सांसें जो 1928 से चलनी शुरू हुई थी वो 2022 तक उसी तरह महकती रही, अपने सुरों के साथ, अपने गंध के साथ, अपनी प्यारी सी आवाज़ के साथ। हमने लता जी के बीमारी की हालत में भी दिन भर उनके ही गाने सुने और आज भी उनके ही गाने सुनते हैं। बस एक खबर बीच में आ गई कि लता जी इस दुनिया में नहीं है, इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं। 1948 में जब तकनीक नहीं थी इतनी ज़्यादा, तब भी वो जो गूंजी आवाज़ लता जी की फिल्म महल के उस शानदार गीत से, वो आज तक गूंज रही है हम सब के जहन में, हम सबके कानों में। दुनिया बेकल है दिल
आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से पुनः एक बार स्वागत करते हैं और आमंत्रित करता हूं मृणाल मैम को आवश्यक उद्घोषणाओं के लिए। थैंक यू सर। स्पेशली थैंक टू मिस्टर सुनील रायसोनी, चेयरमैन रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हु एक्सेप्टेड टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम फॉर अस एंड इट्स अ ट्रीट फॉर वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Shobha ma'am. I would like to thank R. Vimla ma'am, our Honorable Collector and District Magistrate, Nagpur. I request Mr. Sunil Raisoni to please welcome Vimla ma'am here. Support is something that encourages each and everyone present here. Thank you so much. Thank you once again. I request Salpikar sir to please proceed with the further program. And also would like a lot. We on behalf of Sur Sangam welcome you once again. I take this privilege to introduce the artists of this program. Sachin Dhomne, who is on tabla, Subhash playing keyboard, Vikram is on congo and lot of rhythm instruments. We have Amarji Amar Shende on violin, Manoj Vishwakarma is on guitar, and Mahendra Dhole is on keyboard. दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में ये जो सारे कलाकार आपके सामने उपस्थित हैं, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। विभिन्न स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इन्होंने कार्यक्रमों की प्रस्तुति की है और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ के लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हैं। तो आइए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इन सुरीले नगमों के साथ। जब
बरखा की ये खुशनुमा फुहार मौसम के साथ तो साल में कुछ ही दिनों के लिए होती है, लेकिन उम्र भर जो अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ इस फुहार को हम और आप तक पहुंचाती रही, उस आवाज़ के क्या कहने। उम्र के 5 वर्ष में ही जिसने संगीत के उन गुरुओं को सीख लिया था जो उनके पिता उनके शिष्यों को सिखाते थे और वो सीख नहीं पाते थे, और ये छोटी सी बच्ची उन्हें जाकर सिखाया करती थी कि सही क्या और गलत क्या है। और इसीलिए मोहब्बत के रास्ते पर यानी कि संगीत के साथ जिनकी मोहब्बत है उनकी मोहब्बत के लिए लता मंगेशकर के सिवा दूसरा कोई भी हमदम उतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना जाने के बाद आज भी लता जी जिंदा है। मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आँसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे thank you.
इंसानी जज्बात की हर गहराई में उतरती वो आवाज, चाहे गम की वो सुरांजली हो या हंसी और खुशी से गूंजती किलकारी हो, हर जगह लता की आवाज इतनी सटीक कैसे बैठती थी, यही वाकई एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और अपनी आवाज तो ठीक है, लेकिन अपनी आवाज के यानी कि एक महिला की आवाज के साथ जब एक पुरुष के साथ गाने का मौका, उन दिनों में जब महिलाएं बहुत ज़्यादा संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे आने से कतराती थीं, सामाजिक प्रबंधन उस समय ऐसे हुआ करते थे, लेकिन उस समय भी लता जी ने अपनी आवाज़ के जादू से न सिर्फ संगीत के चाहने वालों को बल्कि साथ में गाने वाले सभी सहगायकों को भी इस तरह से प्रभावित किया कि हर कोई उनके साथ गाने के लिए लालायित होता था। फिर चाहे वो मुकेश साहब हों, चाहे वो रफ़ी साहब हों, चाहे वो किशोर कुमार हो या मन्ना डे साहब हो। प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये मात फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। शंकर जयकिशन का ये गूंजता संगीत आज भी कानों में मिश्री घोलता है। हम इन गीतों को सुने ना सुने दिलो दिमाग में ये गीत ऐसे छाए हुए हैं, इस कदर छाए हुए हैं कि याद आते रहते हैं और हम उनके साथ झूमते रहते हैं। दरअसल आज के इस कार्यक्रम में किन गीतों को हम आपके सामने सुनाने के लिए लेकर आएँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था और इसलिए हमने ढेर सारे गीतों को चुना और जितने हो सकें उतने गीत हम आपके सामने सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सारे रस सारे रंग सारे रूप उस बेहतरीन आवाज़ के जिसे बयां करना मुश्किल है सुरों के माध्यम से उस कलाकारी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकें। आज वो जिस्म हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो आवाज़ कयामत तक जिंदा रहेगी क्योंकि उसका अंत तो हो ही नहीं सकता। खुदा ने जिस आवाज़ को इतनी खूबसूरती से बनाया है वो उस आवाज़ को खुद तो कभी रोक ही नहीं सकता था, लेकिन क्या करें, ये एक तरीका है ज़िंदगी का कि एक तूफान आता है और सारा कुछ उजाड़ के ले जाता है लेकिन निशानियां बाकी रह जाती हैं। और इसीलिए कहा गया है कि तूफान को आना था आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का छाकर ढह जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। साज उठाना हो दम घुटने से
से पहले आवाज उठा लाओ, खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की जबानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा जो आज भी गूंजती है हर सांस के साथ, हर सपने के साथ, हर हकीकत के साथ। वो यूं ही उतनी गहराई तक नहीं है। हिंदुस्तान का भारतीय शास्त्रीय संगीत जो पूरी दुनिया के संगीत पर राज करता है, पूरी दुनिया के संगीत की उत्पत्ति इस शास्त्रीय संगीत से हुई है। और ये शास्त्रीय संगीत जो कहा जाता है कि सात सुरों के साथ बनता है, इस शास्त्रीय संगीत का आठवां सुर भी है और उस सुर का नाम है लता मंगेशकर। ये सुर, जिस सुर ने पूरे संगीत के आयाम को बदल डाला, जिस सुर ने संगीत के पूरी दुनिया के जितनी भी समझदारियां थी, जितनी भी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं से हटकर संगीत का एक नया चरम उत्कर्ष स्थापित किया, उस लता मंगेशकर के शास्त्रीय संगीत के गायकी को कोई किस तरीके से चैलेंज कर सकता है, आह्वान दे सकता है? लता मंगेशकर और शास्त्रीय संगीत दोनों एक दूसरे के शायद पर्यायवाची ही तो थे। ये गीत ऐसी ही कुछ हकीकत बयां करता है। फूल फूल पंखड़ियां खोले, अमृत घोले
सकता है। मेघराज ने बादरिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो सकता है। मेघराज ने बादरिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो। चोरी चोरी मन पंछी उड़े सेना जुड़े सी बच्ची थी जिसकी उम्र बहुत छोटी थी जब उसके पिता उसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता का साया एक भरे पूरे परिवार से उजड़ जाना बहुत कठिन होता है जब परिवार के पास आमदनी का दूसरा कोई सोर्स नहीं होता, और ऐसे समय उस छोटी सी बच्ची को न सिर्फ फिल्मों में काम करना पड़ा बल्कि फिल्मों में गाना भी पड़ा। और वहाँ से शुरुआत करते हुए एक लंबे सफ़र में कितने सारे आह्वानों को, चुनौतियों को स्वीकार करते, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ी। बहुत सारे लोगों से कभी कुछ मतभेद हुए, बहुत सारे लोगों से कभी कुछ खटास भी पैदा हुई, और उन खटास पैदा होने वालों में संगीतकार एस डी बर्मन साहब का भी नाम बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सारे गीत बार बार सुनने को मन करता है, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त हम आपसे करना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना माने। बहुत सारे गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं और आप सभी गीतों का आस्वाद लें, ये हमारी इच्छा है। बहरहाल श्रोता जो होता है, दर्शक जो होता है, वो भगवान होता है। अगर आप एक ही गीत को बार बार सुनना पसंद करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गीत को बार बार गाना पड़ेगा।
और ऐसा करने के जगह अगर वंस मोर की जगह वन मोर को चलने देते हैं तो अधिक से अधिक गीत हम आप तक पहुंचा पाएंगे। बहरहाल चलते हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन साहब की उन प्यारी सी धुनों के साथ आगे बढ़ते हैं जिनके सिवा लता मंगेशकर के करियर में वो खूबसूरती नहीं आई होती। बावजूद उसके लता जी ने उनसे मतभेद भी टाला नहीं, लेकिन उस मतभेद का बड़ा सम्मानजनक रास्ता निकाला और संगीत के साथ आगे बढ़ी। सुनते हैं SD बर्मन साहब और लता मंगेशकर के ये प्यारे से गीत। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल गाता रहे गाता रहे
करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं भी देना ओ कहीं भी देना ये रातें, कहीं भी देना ये दिन गाता रहे मेरा दिल। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं भी देना ये रातें, कहीं भी देना ये दिन, कहीं भी देना ये रातें, कहीं भी देना ये दिन गाता रहे। जब लता जी के गाए हुए गीत सामने हो तो दिल गाते रहने के अलावा दूसरा कर भी क्या सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप सभी के लिए आज के इस खूबसूरत से गीतों से भरे गुलदस्ते को हम सजा कर लाए हैं। आप में से कुछ लोग मंच के पीछे आ रहे हैं, हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच के पीछे ना आए। इस कार्यक्रम की थोड़ी सी गति है, इस कार्यक्रम को हम अधिक गति के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और आप लोगों का यहाँ आना और थोड़ा सा भी व्यवधान इस कार्यक्रम की गति को रोक सकता है, तो कृपया मंच के पीछे न आए, कलाकारों को डिस्टर्ब न करें। बहरहाल हम आपको अब लिए चलते हैं उस संगीतकार की ओर जिस संगीतकार के साथ हमारे इस महाराष्ट्र का नाम जुड़ा है, यानी कि सी रामचंद्र साहब। और सी रामचंद्र और लता जी के बड़े मधुर संबंध थे। सी रामचंद्र साहब के संगीत निर्देशन में 80% गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं और इतने प्यारे इतने लाजवाब गीत कि आज भी हम सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं। कुछ डुएट्स भी उनके हैं जिन डुएट्स में बहुत बार तो सी रामचंद्र साहब ने खुद ही गा के समय निकाल लिया, कभी कभी कुछ अच्छे सिंगर्स को भी उन्होंने लिया, लेकिन फीमेल डुएट्स भी कुछ उन्होंने बनाए। लेकिन सी रामचंद्र साहब के संगीत का पूरा अगर ब्यौरा देखा जाए तो लता मंगेशकर के सिवा उनके संगीत में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, और इसीलिए लता मंगेशकर और सी रामचंद्र ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है जिसका एक प्यारा सा नज़ारा है ये खूबसूरत सा। Thank you.
इस मधुरता का ये जो नया तोहफा था वो लता जी के साथ उषा मंगेशकर की आवाज़ को जोड़ा और श्री रामचंद्र साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत सा ये शाहकार बनाया। श्री रामचंद्र साहब के समान ऐसे बहुत सारे संगीतकार उस दौर के थे जो लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना लगभग अपाहिज थे। मज़े की बात तो ये है कि जब लता जी को गायिका के रूप में सामने लाने की कोशिश की गई तो सबसे पहले तो उनकी आवाज़ को नकार दिया गया, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि उस समय थोड़ी सी नक्सरी आवाज़ का दौर था, थोड़ी सी मोटी आवाज़ चला करती थी जिसमें नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का वर्चस्व था। और लता मंगेशकर की इस मधुर आवाज़ को किसी ने स्वीकार नहीं किया ये समझ कर कि ये आवाज़ चल सकती है, व्यावसायिक तौर पर यह आवाज़ नहीं चलेगी, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था। लेकिन उस दौर का एक संगीतकार ऐसा था जिसने इस आवाज़ को सराखों पर उठाकर रखा और आखिरी तक रखा। उस संगीतकार का नाम था नौशाद, और नौशाद साहब ने जिन प्यारे संगीतों की, जिन गीतों की रचना की, उसमें लता जी के गीतों को अगर हम चुनकर अलग करें तो ऐसा लगता है कि लता जी के करियर में जितने गाने उन्होंने गाए हैं, नौशाद साहब के संगीत का एक अलग ही स्तर है, एक अलग ही दर्जा है, एक अलग ही रंग है, एक अलग ही फ्लेवर है। और उसी फ्लेवर का एक खूबसूरत सा उदाहरण ये प्यारा संगीत। इंसान किसी सी दुनिया में
जो गीत था ये सिर्फ उस दौर के नौजवानों के दिलों की बात नहीं कहता था, बल्कि ये आज भी उन भावनाओं को उजागर करने का इतना खूबसूरत तरीका है। और ये गीत इसीलिए कहते हैं लता मंगेशकर के गाए हुए ये गीत, ऐसे ढेर सारे गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं, क्योंकि उन गीतों के लफ्ज़ों में जो वाकई आत्मा फूंकी गई है, वो जो जान फूंकी गई है लता मंगेशकर द्वारा, उसका कोई दूसरा सानी इस दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान में जब फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुए, तब सबसे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार संगीत के लिए यानी कि गायकी के लिए लता मंगेशकर को मिला। और उसके बाद जब भी ये अवार्ड देने की बात आती थी, लता जी के अलावा दूसरा कोई पर्याय ही नहीं होता था। और इसीलिए लता मंगेशकर ने खुद होकर एक समय के बाद कह दिया कि अब इसके बाद इस पुरस्कार की दौड़ में मैं नहीं रहूंगी, भले ही पुरस्कार के लायक मैं रहूं, लेकिन ये पुरस्कार मुझे नहीं बल्कि और किसी को दिया जाए। इतनी महानता अपने अंदर में रखने वाली इस लता मंगेशकर को, जब एसडी वर्मन साहब के साथ कुछ मतभेद हुए, तो कभी रफ़ी साहब के साथ कुछ मतभेद हुए, तो कभी किसी और के साथ, लेकिन हर चीज़ में कारण एक ही था कि लता मंगेशकर अपने शर्तों पर काम करना चाहती थी। और बाकी भी लोग जो थे उनसे नाराज़ थे, वे आखिर थक हार कर वापस लता जी के पास आने के लिए मजबूर थे कि आखिर लता जी से रूठ कर कहाँ जाएंगे। जी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी अब तो है तुम से हर खुशी अपनी, अब तो है तुम से हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, खुशी अपनी।
दोस्तों, एस डी बर्मन साहब का ये प्यारा सा अंदाज और ये प्यारी सी आवाज़ लता जी की, जिनको याद करके हम आज उन्हें श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जब किसी की आंख में आंसू आते हैं तब बड़ा बुरा लगता है। बुरा इसलिए नहीं लगता है कि लता जी के जाने का उन्हें दुख है, बल्कि बुरा इसलिए लगता है कि उस सुरीली आवाज़ ने श्रद्धांजलि के लिए आंसू नहीं बल्कि सुर छोड़ कर रखे हैं। उन सुरों को सिर्फ याद कर लो, उससे बड़ी श्रद्धांजलि दूसरी कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए लता जी के लिए जब भी हम किसी बात को करते हैं या लता जी की किसी बात को याद करते हैं, तब उन सारे गायक कलाकारों का, गीतकारों का, अभिनेत्रियों का, संगीतकारों का जिक्र आता है जिनकी ज़िंदगी एक तरीके से लता जी के कारण बनी है। और उसमें से एक नाम ज़रूर हम लेना चाहेंगे, जो नाम है लक्ष्मीकांत कुडालकर, यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लक्ष्मीकांत जी, जो कि बहुत ही गरीब घर से आए थे। और लता जी ने एक मुहिम चलाई थी कि जो गरीब घर के कलाकार आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक संगठन बनाकर, एक संस्था बनाकर उन्हें काम देने की कोशिश की, जिसमें लक्ष्मीकांत कुडालकर को उन्होंने काम दिया। और एक समय ऐसा आया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च संगीतकार के रूप में उभर कर सामने आए। तो आइए याद करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत को लता जी की आवाज के साथ। Thank you.
लता जी ने नाम, शोहरत, दौलत, बहुत सारी सारी चीज़ें कमा ली अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इंसान बड़ा नाम और दौलत से नहीं होता, बल्कि अपने हुनर से होता है। और लता जी वाकई एक ऐसी कलाकारा थी जो अपने हुनर के कारण रईस थी। कभी भी किसी मंच पर, कभी भी किसी संगीत की रिकॉर्डिंग के लिए चप्पल पहनकर गाना उन्होंने नहीं गाया। कभी भी जाती थी तो अपने चप्पलों को जैसे मंदिर में जाते समय हम बाहर उतार देते हैं, क्योंकि संगीत उनके लिए एक साधना थी, संगीत उनके लिए एक पूजा थी। इतना सारा पाने के बाद भी लता जी की ज़िंदगी में आखिर तक एक कमी ज़रूर थी, यानी कि एक इच्छा उनकी आखिरी तक पूरी नहीं हुई, और वो उनकी इच्छा थी कुंदन लाल सहगल से मिलना। और कुंदन लाल सहगल यानी केएल सहगल साहब से वो कभी मिल ही नहीं सकी। जब बहुत छोटी थी तब केएल सहगल साहब के गानों को सुना करती थी, और उस समय वो कहा करती थी कि मैं केएल सहगल से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन किस्मत का फेर देखिए, जब तक लता जी इस संगीत की दुनिया में समक्ष आई, केएल सहगल इस दुनिया में रहे नहीं, और एक बार भी लता जी उनसे मिल नहीं सकी, जिसका मलाल उन्हें ताउम्र रहा, जिंदगी के आखिरी पल तक रहा। लेकिन सहगल साहब के साथ भले ही उन्होंने गाए हो न गाए हो, रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, ये दोनों ऐसे गायक थे कि लता मंगेशकर के साथ इनके गाने हम लोगों ने, यानी कि उस पीढ़ी ने, इतने ज़्यादा एंजॉय किए कि आज भी उन गीतों को याद करके, यहाँ भी जितने हमारे बुजुर्गान बैठे हैं उन गीतों को याद करके जवानी तो याद आ ही जाती है। सुनते हैं ये प्यारे से गीत। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ।
जवानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। जी जी जी, आपकी भावना है कि पूरी पूरी हम कदर करते हैं, लेकिन फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि वन मोर पे आगे चलते हैं साहब, बहुत सारे प्यारे प्यारे और गीत हैं, और निश्चित ही इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत खूबसूरती से ये सारे कलाकार उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार ज़ोरदार तालियाँ इन सब के लिए हम बजा दें। दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के बीच में एक तकरार बड़ी फेमस हुई थी, और वो चली थी गायकों के रॉयल्टी को लेकर, जबकि रफ़ी साहब कह रहे थे कि हमने एक बार गाना गा दिया तो उसके बाद उस पर हमारा हक नहीं, और लता जी का कहना था जब हमारी गायकी से संगीतकार इतने पैसे कमाते हैं तो उस पर हमारा भी हक होना चाहिए। हालांकि इसमें सही कौन था गलत कौन था, इस विवाद पर हम ये नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के जो डुएट्स थे, उन डुएट्स की का एक ज़माना था, और लता और रफ़ी ये दोनों ही ऐसे गायक थे कि चाहे फीमेल सिंगिंग में लता जी हो, मेल सिंगिंग में रफ़ी साहब हो, ये दोनों जब एक साथ गाना गाया करते थे तो वो गाना लोकप्रिय होना ही था, ऐसा एक फार्मूला सा बन गया था। रफ़ी साहब उधर से अपनी आवाज़ की एक पुकार लगाते तो सुरों की बरसात होती, और इधर लता अगर चुनरी लहराती तो बरसात होती, और काजल लगाती तो दिन में रात होती। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, हो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, ओ दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना,
तू चली आई तू आई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई तू आई ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई, हम बुआ की डाली में गाय मत वाली को ये लहराई बरसात हो गई, हो तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई। ओ दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, ओ दिल ने दिल को एक बार जोरदार ताली बजाएं सारे म्यूजिशियंस के लिए। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों लेकिन एक छोटी सी बात हम आपको बताएं कि इस कार्यक्रम के लिए इस हॉल की जो परमिशन है वो 8:30 बजे तक की है, और हम चाहते हैं कि उस समय तक हम अधिक से अधिक गीत यानी कि लगभग सारे गीत आप तक हम पहुंचा सकें, आपको सुना सकें। हमारे आदरणीय अतिथि यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें अपने व्यस्ततम दिनचर्या से वो यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं। वैसे हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को पूरा सुनकर जाएं, और आप सभी से भी गुजारिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को पूरा होने दें, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे अच्छे गीत भी हैं जिन्हें सुनकर आपको और मज़ा आएगा। आइए हम चलते हैं आपको एक और खूबसूरत से डुएट सॉन्ग की तरफ,
जिस डुएट को गाया है लता मंगेशकर जी के साथ किशोर कुमार साहब ने, और किशोर कुमार साहब की मस्ती का आलम तो कुछ और ही हुआ करता था। उसी मस्ती को, उसी रंगत को फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं उन दोनों महान कलाकारों को जो आज इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनकी मस्ती, उनकी खूबसूरती आज भी इस दुनिया में जिंदा है। ये गीत सुनते हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, तुझे मिलके भी प्यास नहीं थकती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या जी की आवाज़ जब गूंजती हो तो नज़ारे भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। हमारे आदरणीय जिलाधीश महोदया अपनी व्यस्त दिनचर्या से यहाँ आई, उनके लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और उन्हें आवश्यक काम से जाना है लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उनका हम व्यक्त करते हैं। दोस्तों, दरअसल लता मंगेशकर ने तीन पीढ़ियों की, यानी कि माँ के, उसके बेटी की और उसके बेटी की आवाज़ बनकर फिल्मों में गीत गाए,
ये अपने आप में एक ऐसा शाहकार है, एक ऐसी हकीकत है कि बाकी कोई कभी ज़िंदगी में इसे न पूरा कर सका है न शायद पूरा कर सकेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, लेकिन लता मंगेशकर की उस प्यारी सी आवाज़ ने दुनिया को ये बताया कि झूठ बोलने से कौआ काटता है। सुनते हैं ये गीत। We'll be right back.
साल की डिंपल के लिए जब लता जी ने ये गाना गाया तब वो उनके उम्र के 3 गुना ज़्यादा उम्र की थी। यानी कि आवाज़ जो है उस आवाज़ का हुनर का उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये लता जी ने सिद्ध करके रख दिया। और आज भी लोग कोशिश करते हैं लेकिन उनके समान बन नहीं पाते, ये तो विधाता की अपनी एक अलग रचना है। और इस पूरी अपने पूरे जीवन काल में लता जी ने फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों के साथ बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते ईजाद किए, रिश्ते बनाए। उनमें से एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बहन भाई का था, यानी कि लता जी जिन्हें अपना भाई माना करती थी वो थे मदन मोहन साहब। मदन मोहन हिंदुस्तानी फिल्मों का एक ऐसा संगीतकार जिसने अपनी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक संगीत की रचना की, लेकिन उनके जीते जी उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया जो उनके जाने के बाद उन्हें मिला। लता जी को जब उनका सबसे बेहतरीन सबसे पसंदीदा गीत पूछा जाता तो उनके पास कोई गाना एक ऐसा नहीं था जो उनका सबसे पसंदीदा गीत हो। लेकिन एक बार उन्होंने अपने पसंद के 10 गानों की एक फहरिस्त बनाई थी जिसमें 4 गाने मदन मोहन साहब के थे। और मदन मोहन की वो गज़लों के अंदाज़ जो लता जी ने अपनी आवाज़ में ढाले, उन गीतों को सुनने के बाद, उन गीतों के लफ्ज़, उन गीतों के गीत यानी कि शब्द सुनने के बाद ऐसा लगता है कि लता जी के उन गीतों के बिना हम जिंदगी गुजारेंगे कैसे। कहते हैं कि बोझ होता तो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी है तो उठाएं कैसे, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग लगी है तो बुझा जहाँ चलेगा
संगीत के साथ सुरों की पट्टियों में तीन ऑक्टेव में गाने वाली लता मंगेशकर एकमात्र गायिका थी जिनकी आवाज़ की रेंज नीचे से ऊपर तक की, यानी कि तीन पट्टियों का स्केल जो होता है संगीत का। लता मंगेशकर न सिर्फ संगीत की बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बनकर रही। पूरी दुनिया में बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पास दो ऐसी चीज़ें थी जो और कहीं नहीं, पहली ताजमहल और दूसरी लता मंगेशकर। यह हिंदुस्तान की पहचान जिस लता मंगेशकर ने बनाई, उनकी भक्ति भावना को अगर हम प्रेम के रूप में देखें, दर्द के रूप में देखें, हर प्रकार की भक्ति संगीत के साथ उनकी जुड़ी हुई है। और इसीलिए अगर भगवान कृष्ण को संगीत माना जाए तो लता राधा भी है और लता मीरा भी है, लता प्रेम दीवानी भी है और लता दर्द दीवानी भी है। ये गीत सुनते हैं। Oh,
किसी चीज़ की महारत हासिल करने के लिए एक डिग्री बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और लता मंगेशकर एक ऐसा अपवाद है उन चीज़ों के लिए कि अगर लता जी की हम बात करें तो एक दिन स्कूल गई थी पूरी ज़िंदगी में, और जिस दिन गई उस दिन अपनी छोटी बहन को साथ लेकर, आशा को साथ लेकर गई थी। स्कूल टीचर ने मना किया कि अपनी बहन को क्लास में नहीं ला सकते। उस दिन के बाद लता मंगेशकर जिंदगी भर कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन संगीत के लिए उनका जो समर्पण था, उस समर्पण ने छः दुनिया की छः अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें डॉक्टरेट प्रदान की, और ये लता मंगेशकर जो कभी स्कूल नहीं गई थी, संगीत की इतनी बड़ी महारत बनकर आज दुनिया के सामने टिकी हुई है। लता मंगेशकर ने अपनी ज़िंदगी में कभी फूहड़ता को साथ लेकर गाने नहीं गाए, कभी ऐसे गीत नहीं गाए जिन गीतों में कहीं अश्लीलता हो, लेकिन उनके गाए गीतों में वो मस्ती थी, वो तरन्नुम था, वो ज़बरदस्त धूम थी कि उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि कहते हैं साहब कि शराब में ही नशा होता है, ऐसा नहीं है। लता जी की आवाज़ को सुनिए, संगीत का नशा सर चढ़कर बोलेगा। सुनते हैं ये गीत। हे जय बोलो शिव शंकर की जय।
कर काटा लागे ना कंकर, जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। मंगेशकर देश की आवाज़ थी, लता मंगेशकर खुदा की आवाज़ थी, और लता जी को हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के लोगों में इतना ज़्यादा महत्व और इतना ज़्यादा अपनत्व था। देश के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर एक बार पाकिस्तान गए और वहाँ पर नूर जहाँ जो कि मलकाए तरन्नुम हुआ करती थी उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, तो मुलाकात करवाने वाले ने पूछा कि इन्हें तो आप पहचानती होंगी, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं,
सुनील गावस्कर, तो नूरजहां जी ने कहा कि नहीं, मैं तो क्रिकेट में सिर्फ एक ही इंसान को जानती हूं और वो है ज़हीर अब्बास। और जब सुनील गावस्कर से कहा गया कि आप इन्हें जानते होंगे, ये हैं मलकाएं तरन्नुम नूरजहां, तब सुनील गावस्कर ने कहा कि संगीत में मैं सिर्फ एक ही आवाज़ को जानता हूँ, वो है लता मंगेशकर। हिंदुस्तान की शान जो थी वो लता मंगेशकर, जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद हर बार ऐसा लगता था कि चाहे वो उनकी उम्र कितनी है, उनकी उम्र का अंदाज़ा उनकी आवाज़ से हम नहीं लगा सकते थे। ऐसी कोई शानदार तरकीब उनकी आवाज़ में थी, ऐसा लगता है कि खुदा ने उन्हें बना तो दिया, लेकिन खुदा भी अगर कोशिश करे ना तो फिर से लता मंगेशकर को नहीं बना सकता। सुनते हैं ये प्यारा संगीत। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये जाना सनम।
तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जी इस दुनिया से रुखसत क्या हुई, उनके पीछे पीछे बप्पीदा यानी कि बप्पी लाहिरी जैसा एक और हीरा हम सभी ने खो दिया। दोस्तों ये हमारी संतरा नगरी जो है ये बहुत सारे हुनर के कारण अपने माथे पे बहुत सारे सितारों को लेकर चमक रही है, लेकिन ये दाग शायद हमारी ये संतरा नगरी कभी नहीं धो पाएगी कि लता जी ने कसम खाई थी कि वो कभी नागपुर में नहीं आएंगी। और उसका कारण ये था कि वे एक बार जब नागपुर में आई थी तब लोगों ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया था वो उनके दिल पर हमेशा एक बोझ बनकर रहा। उन्हें यहाँ पर राष्ट्रीय राज्य के राज्य स्तरीय सम्मान से भी नवाजा गया था, लेकिन विधान परिषद की हरियाली में एक अलग सा कार्यक्रम करके उन्हें वहाँ पर बुलाया गया। खैर हमारे शहर के साथ ये एक दुखांतिका जोड़कर भले ही हम ना रखें, लेकिन आज लता जी हम सबके बीच नहीं हैं, तो आइए हम कहीं जाकर देखने की कोशिश करते हैं उन चांद सितारों में, कहीं आज लता जी फिर एक बार हम सबको देखकर माफ़ कर दे, हम नागपुर शहर के रहने वालों को माफ़ कर दे और ये देख ले कि आज हम उनकी याद में किस तरह से उन्हें संगीत की ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए चलकर देखते हैं चांद पर लता जी की आवाज़ के साथ, बप्पीदा के संगीत के साथ, इस गीत के साथ। छः के बाद लता जी ने फिल्मों में गाना तो बंद कर दिया था,
लेकिन लता जी की आवाज़ गूंजती रही थी, आज भी गूंज रही है। एक भी रेडियो स्टेशन ऐसा नहीं होता जो बिना लता मंगेशकर के अधिक से अधिक गानों के पूरा नहीं होता। उन्हें कोरोना की बाधा हुई, उन्हें निमोनिया हुआ, इन सारी चीज़ों से वो निकलकर बाहर आईं। उन पर उपचार करने वाले डॉक्टर समदानी और उनकी जो पूरी टीम थी, उन सारे लोगों ने दिन दूना रात चौगुनी मेहनत करके लता जी को जितनी बेहतर सुविधा, जितनी बेहतर उपचार सेवा दे सकते हैं दी थी। इसलिए नहीं कि वो एक वीआईपी थी, इसलिए नहीं कि वो लता मंगेशकर थी, बल्कि इसलिए कि सुरों का जो तोहफा लता जी ने ज़िंदगी में सभी के बांटा है, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब लता जी ने आखिरी सांस ली, तब वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने अपनी पूरी सेवा, अपना पूरा ज्ञान उनके लिए लगा दिया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। एक ऐसा नज़ारा है, लता जी के जाने के बाद इतने सारे लोग, यहाँ तक कि आसमान भी अपने आप को रोक नहीं सका था, आसमान भी रोने लगा था। लता जी को हम भुला नहीं पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। लग जा गले भुला न पा।
चेहरा ये बदल उस आवाज़ को हम भुला ही कैसे सकते हैं जिस आवाज़ ने बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक तीन पीढ़ियों को जीना सिखाया, संगीत के साथ घुलना मिलना सिखाया। आज लता जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके सुरों की वो सौगात, वो हज़ारों गीत आज हमारे बीच में हैं। आज का ये कार्यक्रम रायसोनी ग्रुप के तत्वाधान में हम सभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सके, इसकी बहुत बहुत खुशी है हम सभी को। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे साथ जितने बाकी के लोग जुड़े हैं, हमारी टेक्निकल टीम जिसमें शुभम जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की प्रकाश व्यवस्था की, ऋषभ जो कि साउंड सिस्टम जिनका था, ध्वनि व्यवस्था जिनकी थी, राजेश अमीन जिन्होंने इस रंगमंच की व्यवस्था की, और उनके अलावा ये गायक कलाकार जिनके बिना ये पूरी महफिल अधूरी होती, सुरभि ढोमने, श्रिया मेंडी और मंजरी अय्यर, साथ में मुकुल पांडे जी और अजय मलिक, ये सारे कलाकार आप सभी के लिए लता जी के लिए समर्पित हैं। लता जी एक आदर्श संगीत की साध्वी, एक माँ स्वरूप संगीत की सरस्वती, गान कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को ये मुल्क, इस देश की ज़मीन, इस देश का हर नागरिक, इस देश की चलती हुई हर सांस सलाम करती है, वंदन करती है आज के इस कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे 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 मातरम
वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा परदा मातरम वंदे 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 मातरम